जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएँ, ताकि आपको हमेशा नई जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलते रहे। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सही समय आ गया है। बहुत से जातक यही बातें पूछते हैं कि सही समय कब आएगा, अच्छा समय कब शुरू होगा, कब हम नई शुरुआत करेंगे। ये तमाम प्रश्न हमारे जीवन में होता है। देखिए, अगर हम हालात ख़राब हैं, उनसे जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो हर व्यक्ति यही चाहता है कि थोड़ा वेट किया जाए, समय का थोड़ा अनुकूल समय हो जाए, समय हमारे पक्ष में हो जाए, फिर हमें कोई कदम उठाना चाहिए। इस तरह का अगर कोई माहौल है या इस तरह की बात आपके मन में उठती है, तो प्लीज़ दोस्तों, इस चीज़ों को बाहर आप कर दें। अभी वक्त है, जो भी हो पाएगा वो अभी हो पाएगा, इसी वक्त हो पाएगा। आपके पास जो भी संसाधन है, उन संसाधनों से आप एक अच्छा स्टार्टअप कर सकते हैं, एक अच्छा नई शुरुआत कर सकते हैं और आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब उसमें शर्तें ये है कि हम अगर व्यसन करते हैं तो उससे सावधान रहना है, बेफिजूल उधार लेकर, उधार अगर ले रहे हैं तो उससे बचना है। तीसरी बात है कि बेफिजूल बहुत से व्यय होते हैं, जो व्यय हमें नहीं करना होते हैं, उनसे हमें सावधान रहना होगा। जो भी काम हम करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत हम अभी इसी वक्त से कर सकते हैं, एक अच्छी प्लानिंग से, पूरी मेहनत से। और हम अगर संकल्प सिद्धि कर पाएँ, संकल्प से सिद्धि तक, या यूँ कहें कि संकल्प अगर हम ले पाएँ कि जो भी हम काम करेंगे उसे सिद्ध करेंगे, चाहे जो भी हो, तो हो पाएगा। अब ये बात एक ये होता है यहाँ पर कि किस्मत बहुत से लोगों का फैक्टर होता है, बहुत से लोगों के लिए परेशानी आती है, जैसे कि लाल फीताशाही, प्रशासनिक जो काम होते हैं उनमें कई सारी रुकावटें होती है, व्यक्ति को कई सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये चीज़ें एक बहुत बड़ा समस्या है जो आपको झेलना पड़ सकती है, या हर व्यक्ति के साथ ये है। तो उनसे भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल जो लोगों की भ्रांति है उसमें ना फंसना है, हमें हमारा काम सीधे से करना है। जो लोगों की भ्रांतियाँ हैं वो अपनी जगह है कि ये काम ऐसा नहीं होता, वो नहीं होता, और हम बस मन में उन्हीं की बातें सुनकर रुक जाते हैं। तो वहाँ रुकना नहीं है, बस ये बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, आपको जो करना है आप उसे करते रहिए। अब मान लीजिए रिश्ते, परिवार में बहुत सी जगह खटास चल रही है, तो प्लीज़ आप दो कदम आगे बढ़ें, रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश करें, पहल करें अपनी तरफ से कि रिश्तों को सामान्य हम कर सकें। क्योंकि अगर आप पहल नहीं करेंगे तब तक रिश्ते ठीक नहीं होंगे। मन मुटाव बहुत दिनों तक नहीं रहता है, कुछ समय में रहता है, फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। तो सही समय आ चुका है, आप बिल्कुल जो भी शुरुआत करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और आपके पास अगर दृढ़ इच्छा है, संकल्प शक्ति है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं हमको बधाई देना चाहता हूँ, सही समय आ चुका है, आपको जो करना, आप नई शुरुआत जो भी करना चाहते हैं बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपके पक्ष में सब कुछ चीज़ें दिखाई देगी। और ईश्वर का स्मरण हमेशा करते रहें, क्योंकि अगर आप ईश्वर का स्मरण करते रहेंगे तो आपको वो अनुभव होंगे जो अनुभव आपने कभी नहीं किए होंगे। तो दोस्तों, इसी वीडियो में हम यही बात कर रहे थे कि सही समय आ चुका है आपकी राशि के लिए, तो आप जो भी नई शुरुआत करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ से शेयर करेंगे, और कमेंट्स में अपनी राय खुलकर आप लिख सकते हैं, जो भी आपकी राय हो। जय श्री महाकाल।